हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन ऑल अमेजिंग टिप्स। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। अब गर्मी शुरू होते ही सभी लोग ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में थोड़ा भी हल्का गुनगुना पानी भी हो तो भी कोई पीना पसंद नहीं करता है, क्योंकि अच्छा लगता ही नहीं है। और इस मौसम में आप कितना भी ठंडा पानी पहले से निकाल कर रख दीजिए किसी भी बर्तन में, तो गर्म हो जाता है और किसी को भी ये पानी अच्छा नहीं लगता है। और इस वजह से सभी लोग फ्रिज का पानी पीना शुरू कर देते हैं, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। फ्रेंड्स, फ्रिज के पानी पीने के बजाय अगर आप मटके का पानी पियेंगे तो ठंडा भी रहेगा और आपकी हेल्थ के लिए अच्छा भी रहेगा। तो अब बात आती है फ्रेंड्स कि आप अपने पुराने से पुराने मटके के पानी को ठंडा कैसे रखें। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपके लिए अपने चैनल पे हमेशा कुछ ना कुछ नई टिप्स लेकर आती रहती हूँ, जो कि आपके लिए हमेशा यूजफुल होती है। हमेशा की तरह फ्रेंड्स, आज भी मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिसका प्रयोग करके आप अपने मटके के पानी को ठंडा रख सकते हैं। चाहे कितना भी पुराना आपका मटका क्यों ना हो, आपका पानी हमेशा ठंडा रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही यूजफुल टिप्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स कि वो टिप्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट टिप्स है फ्रेंड्स कि सबसे पहले आप अपने किसी भी पुराने मटके को क्लीन कर लें अच्छे से, और उसके बाद उस मटके को पानी से गीला कर दें, ऊपर से भिगो दें ताकि मटका भी गीला हो जाए, और पानी को पूरा भर लें मटके में। उसके बाद मिट्टी से बने ढक्कन को भी पानी से पहले गीला कर लें, उसके बाद उस मटके को ढक दें। उसके बाद आपको लेना है फ्रेंड्स सूती का कपड़ा। सूती का कपड़ा आपको इतना लंबा लेना है ताकि मटके पे दो लेयर आप इसे लपेट सकें। फिर मटके को चारों तरफ से दो लेयर में उस सूती कपड़े से लपेट दें। उसके बाद फिर से पानी से उस सूती कपड़े को भी भिगो दें। इस तरीके से ऐसा करने से फ्रेंड्स आपके जो मटके का पानी है हमेशा ठंडा रहेगा, और जब भी वो कपड़ा सूखे आप तो उस कपड़े को भिगोकर गीला कर दें। इससे आपका हमेशा मटके का पानी जो है ठंडा ठंडा रहेगा। सेकेंड टिप्स के लिए फ्रेंड्स, आपको लेना है एक जूट का कपड़ा, यानी जिसे हम बोरा भी बोलते हैं, जिसमें अनाज वगैरह हम रखते हैं। जूट के कपड़े को लेना है और सेम इसी प्रोसेस से जैसे आपने सूती के कपड़े को लपेटा, ठीक उसी तरीके से मटके में पानी भरने के बाद आपको जूट के कपड़े से यानी कि उस बोरे से अच्छे से लपेट देना है। सिर्फ एक लेयर में ही लपेटना है, क्योंकि जूट का जो बोरा होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है। उसके बाद पानी से आपको ऊपर से उस बोरे को गीला कर देना है, और इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपका जो पानी है हमेशा बिल्कुल ठंडा ठंडा रहेगा, क्योंकि जूट का बोरा है जो वो काफ़ी समय तक ठंडा गीला रहता है, सूखने में टाइम लगता है। और जब भी वो बोरा अगर सूख जाए तो आप उसे फिर से पानी से गीला कर दें, इससे आपका पानी हमेशा मटके का ठंडा ठंडा रहेगा। थर्ड टिप्स के लिए फ्रेंड्स, सेम इसी तरीके से आपको प्रोसेस फॉलो करना है। उसके लिए आपको लेना है उलेन, कोई भी स्वेटर जो यूजलेस हो चुका हो या उलेन कोई भी कपड़ा हो उसे आपको लेना है, और ठीक उसी तरीके से आपको वो मटके के चारों तरफ अच्छे से लपेटना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि सिर्फ एक लेयर ही लपेटना है आपको, और अच्छे से लपेटने के बाद आप उसे सेफ्टी पिन या किसी भी पिन से टक कर दें या बांध दें। और उसके बाद सेम इसी प्रोसेस से फ्रेंड्स आपको उस उलेन स्वेटर को या उलेन कपड़े को अच्छे से भिगो देना है पानी से। इससे क्या रहेगा कि उलेन कपड़ा भी जो है, उलेन स्वेटर भी है, वो भी काफ़ी समय तक गीला रहता है, और जब तक वो गीला रहेगा आपका जो मटके का पानी है हमेशा ठंडा ठंडा रहेगा। और जैसे ही वो सूखे फिर से उस कपड़े पे पानी से आप गीला कर दें उस कपड़े को, उलेन स्वेटर को या जो भी हो, तो गीला रहेगा तो आपके मटके का पानी हमेशा ठंडा रहेगा। फोर्थ टिप्स के लिए फ्रेंड्स, आपको लेना है एक मिट्टी का बर्तन और उसमें रेत को यानी कि बालू को रख देना है, और उस रेत को गीला कर देना है पानी से। फिर उस रेत पर आपको मटके के पानी को रख देना है। ऐसा करने से फ्रेंड्स आपके मटके का पानी हमेशा ठंडा रहेगा, और जब भी आपको लगे कि रेत सूख गया है उसको फिर से गीला कर दें और मटके के पानी को रख दें। ऐसा करने से फ्रेंड्स आपके मटके का भी पानी बिल्कुल ठंडा ठंडा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ अमेजिंग यूजफुल टिप्स जिसका प्रयोग करके फ्रेंड्स आप अपने किसी भी पुराने से पुराने मटके के पानी को ठंडा रख सकते हैं, और इस गर्मी में ठंडा ठंडा पानी पी सकते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूजफुल टिप्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।